हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बी योर मनी मैनेजर, और आपके फाइनेंशियल सफ़र को सुहाना बनाने से जुड़ी एक और जानकारी के साथ हाजिर हूँ मैं, यानी आपका मनी मित्र रजनीशकांत। दोस्तों, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, या किसी मल्टीप्लेक्स में मूवी देखने जाते हैं, या फिर किसी शॉपिंग मॉल या शोरूम में शॉपिंग करने जाते हैं, या फिर रेलवे टिकट विंडो पर टिकट लेने जाते हैं, या फिर बस में डिजिटल टिकट लेते हैं, तो जो स्वैपिंग मशीन होती है पेमेंट के लिए, जिसे POS यानी पॉइंट ऑफ सेल भी कहते हैं, वहाँ पर सिर्फ क्रेडिट या डेबिट कार्ड को स्वैप करके डिजिटल पेमेंट का विकल्प रहता है। लेकिन अब एक ऐसी डिवाइस आ गई है जहाँ पर आपको डिजिटल पेमेंट करने के लिए ज़्यादा विकल्प मिलेंगे, और इस डिवाइस को लॉन्च किया है देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। यहाँ पर आप न केवल डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड से डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं, बल्कि रुपे कार्ड, UPI, भारत QR कोड, या फिर जो स्टेट बैंक का ई वॉलेट है SBI बड़ी, उसके जरिए भी डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। तो क्या है इस डिवाइस का नाम और क्या क्या फ़ायदे होंगे, हम सब आपको बारी बारी से बताएंगे। तो SBI ने डिजिटल पेमेंट के लिए नई डिवाइस लॉन्च की है। डिवाइस का नाम है मोपैड, यानी मल्टी ऑप्शन पेमेंट एक्सेप्टेंस डिवाइस। इससे ग्राहक POS टर्मिनल पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, रुपे कार्ड, भारत QR, UPI, SBI बड़ी के जरिए भुगतान कर सकेंगे। पेमेंट करने के बाद ग्राहकों को प्रमाण के रूप में एक चार्ज स्लिप भी मिलेगी। हालांकि जब आप भारत QR, UPI, SBI बड़ी से भुगतान करेंगे तो आपको ये चार्ज स्लिप नहीं मिलेगी। दुकानदार या कारोबारी को पेमेंट के बाद MIS यानी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम मिलेगा, जो उन्हें सभी तरीके के कैश फ्लो को मैनेज करने में हेल्प करेगा। ये जो नई सेवा शुरू की है SBI ने, या जो नई डिवाइस शुरू की है, लॉन्च की है SBI ने, उससे ग्राहकों और दुकानदारों दोनों को फ़ायदा होगा। ग्राहकों को जहाँ डिजिटल पेमेंट के लिए ज़्यादा विकल्प मिल सकेंगे, वहीं दुकानदारों को कारोबार में आसानी होगी। और डिजिटल पेमेंट के लिए कारोबारियों को अब अलग अलग इंस्ट्रूमेंट नहीं रखने पड़ेंगे। मर्चेंट्स को अलग अलग ट्रांजैक्शन को एक जगह करने में अब आसानी होगी। दुकानदारों को इसका फ़ायदा उठाने के लिए POS टर्मिनल लगाना होगा। POS यानी पॉइंट ऑफ सेल। फिलहाल SBI के देश भर में 6.23 लाख POS टर्मिनल हैं, और सभी POS टर्मिनल में बारी बारी से इस सुविधा को शुरू करने की योजना है SBI की। SBI के पास 31 मार्च 2018 तक डिपॉजिट के तौर पर 27.06 लाख करोड़ रुपये थे। SBI की पूरे देश में 22,414 बैंक ब्रांच हैं और 59,541 ATM हैं। तो बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत जगहों पर पॉइंट ऑफ सेल है, तो आप इन जगहों पर मल्टीपल डिजिटल पेमेंट का लाभ उठा सकते हैं। आपको बता दूं कि SBI के 3.5 करोड़ मोबाइल बैंकिंग ग्राहक हैं, 4.79 करोड़ इंटरनेट बैंकिंग ग्राहक हैं, और 42.4 करोड़ बैंकिंग ग्राहक हैं। इसकी जानकारी खुद SBI ने दी है। तो दोस्तों, अब आपकी शॉपिंग और मज़ेदार बनेगी, साथ ही साथ जो मर्चेंट्स हैं, जो दुकानदार हैं, जो कारोबारी हैं, उनको भी अब ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल पेमेंट करने के मौके मिलेंगे। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही, लेकिन अपने फाइनेंशियल सफ़र को सुहाना बनाने के लिए देखते रहिए अपना यूट्यूब चैनल बी योर मनी मैनेजर, और पढ़ते रहिए हिंदी फाइनेंशियल ब्लॉग बी योर मनी मैनेजर .blogspot.com,
और हाँ, अपने इस YouTube चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, सवाल पूछना, सुझाव देना, आलोचना करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो आपका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।